आप सामने पहाड़ पे देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आग जलाई है। शाम के 7 बज चुके हैं, पूरी तरह रात हो चुकी है। आप चांद भी देख सकते हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो यार आज तक मैं जितनी भी वीडियो शूट करता था वो मैं पोको X2 Pro से शूट करता था। तो लेकिन आज मेरे पास है माइक्रोन एक्स का नोट इन वन, जो कि इंडियन कंपनी है। तो यार मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो कि पूरा पूरा व्लॉग इसी फ़ोन कैमरे से शूट करूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है, माइक्रोन एक्स ने ये फ़ोन 11,000 रुपये में काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में उतारा था, और लोगों को इस फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। तो यार ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है माइक्रोन एक्स नोट 10 का फ्रंट कैमरा जो कि 16 मेगापिक्सल का है। तो आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पर बर्फ और पहाड़ आप देख सकते हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी है, काफ़ी अच्छे कलर दिख रहे हैं। थोड़ा मैं लाइट्स थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो यार आप देख सकते हो, थोड़ी सी लो लाइट में आ गया हूँ मैं। ये लो लाइट में फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा, जो कलरिंग आप देख सकते हो पीछे, काफ़ी अच्छा कलर दे रहा है। अब मैं आपको इसका बैक कैमरा भी दिखाऊंगा जो कि 48 मेगापिक्सल का है। तो ये है माइक्रोन एक्स इन नोट 1 का मेन कैमरा जो कि 48 मेगापिक्सल का है। तो आप खुद ही बताइए नीचे कमेंट में कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है। तो ये इसका अल्ट्रा वाइड एंगल जो कि 5 मेगापिक्सल का है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी हद तक ठीक ही इसमें पिक्चर क्वालिटी आ रही है। अगर मैं इस फ़ोन की बात करूं तो आपको इसमें अच्छी बैटरी, अच्छा प्रोसेसर और कैमरा तो आप देख सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव भी बन जाता है जिसको कि चाइनीज़ फ़ोन ना लेके कोई इंडियन फ़ोन लेना है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो 11,000 रुपये की रेंज में अभी तक मार्केट में कोई भी इससे अच्छा फीचर्स वाला फ़ोन नहीं आया। कल तो चढ़ने में दिक्कत आ रही है। अगर मैं उसको उठा के देखूं तो आप दिखा देख सकते हो पूरी तरह से जमी हुई है। मैं इसका स्लो मोशन भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये है काली माता का मंदिर, तो मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ। तो यार मैंने जितने भी वीडियो टेस्ट किए वो सारे मैंने दिन में किए हैं, रात को मैंने कोई भी वीडियो टेस्ट नहीं किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कभी रात में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यार आप मेरे पीछे देख सकते हो, पीछे बर्फ़ है। तो ये बर्फ़ यहाँ पे बहुत दिन पहले पड़ी थी, यहाँ पे धूप न लगने के कारण ये पिघली नहीं अभी तक। तो आप देख सकते हो पीछे, और यहाँ पर ठंड भी काफ़ी है। यहाँ पर जो रात का टेम्परेचर है वो -1-2 तक पहुँच जाता है। मैं देखिए मैक्रो शॉट दिखाऊंगा। रात होने वाली है तो मैं नाइट में भी आपको इसके वीडियो सैंपल्स लूँगा, फिर दिखाऊंगा नाइट में ये कैसा काम करता है। तो यार शाम के 5 बजने वाले हैं, तो इस टाइम यहाँ पे सनसेट हो रहा है, और यहाँ पे जो सनसेट का व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो मैं आपको यहाँ का सनसेट भी दिखाऊँगा, और ठंड हवा काफ़ी ठंडी हो गई है, तो
मैं आपको सनसेट दिखा के मैं भी घर चला जाऊंगा। आप देख सकते हो सामने सनसेट होने ही वाला है, और जो इससे लाइट निकल रही है वो थोड़ी येलोश निकल रही है। इसमें मैंने कोई भी फिल्टर नहीं लगाया, ये सब नेचुरल लाइट आ रही है, तो आप देख सकते हो। अभी बज रहे हैं 5:40, तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पे रात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब सनसेट होता है उसके बाद यहाँ पे एकदम से रात हो जाती है। तो मैं आपका रात का व्यू भी दिखाऊंगा। तो शाम के 7 बज चुके हैं और रात पूरी तरह से हो चुकी है। आप सामने चांद भी देख सकते हो, और ये वाला व्यू यार ये तो आप खुद देख सकते हो। बाकी सब जगह अंधेरा हो गया, यहाँ पे अभी तक अंधेरा नहीं है। पहाड़ों के बीच में आप देख सकते हो लाइट दिख रही है। मेरा ओपिनियन है इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में, तो मुझे तो काफ़ी हद तक अच्छी लगी, क्योंकि 11,000 रुपये में काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी दे रहा है। अगर आपको इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी लगी तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।